हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती 2022 के लिए टीचर रिक्वायरमेंट संविदा पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इसमें 5 स्कूल में 12 शिक्षक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन पुनः जारी हुई है। इसमें आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करने हैं। आवेदन पत्र के साथ आपको इसमें स्टाम्प और डाक टिकट भी लगेंगे। इन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह विज्ञापन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल इसमें जिला कोरिया के लिए निकाली गई है। यह सभी संविदा पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें यह स्कूलों के लिए शिक्षक पदों की वैकेंसी के लिए आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन करने हैं, जो इसके लिए अंतिम तिथि 31/8/2022 5 बजे तक रखी गई है। और इसके लिए एड्रेस आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी इसमें रखा गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर पिन कोड दिया हुआ है, इसी एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करने हैं। अब हम इसके लिए पदों का विवरण स्कूल के अनुसार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्कूल महारपाला जिला कोरिया के लिए निकाले गए हैं। इसमें व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए एक एक पोस्ट है, वाणिज्य अंग्रेजी और गणित के लिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्कूल देख लें तो इसमें चिरमिरी के लिए व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के एक एक पोस्ट है। इसी के साथ सोनत स्कूल के लिए भी व्याख्याता और शिक्षक के एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। इसी प्रकार से मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर स्कूल के लिए भी व्याख्याता और सहायक शिक्षक के एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन देख लें तो इसमें व्याख्याता के लिए 50% अंक के साथ संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके वाणिज्य के लिए, यह दी हुई है। इसके बाद पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए इसमें 50% अंक के साथ अंग्रेजी माध्यम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ बीएड भी होनी चाहिए और व्याख्याता के लिए भी बीएड होनी चाहिए। इसके बाद प्राथमिक शाला स्तर के लिए सहायक शिक्षक के लिए 50% अंक के साथ इसमें आपका 12वीं पास होनी चाहिए और डीएड डीएलएड पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए। शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट निर्देश देख लेते हैं। इसमें आपकी 9वीं से लेकर संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए और इसमें कोरिया जिले के अभ्यर्थी को 5 अंक बोनस के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करने हैं और सभी आपके आवेदन पत्र के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। इसमें आपका सिलेक्शन सहायक शिक्षक के लिए इस प्रकार से किया जाएगा, 10वीं का 10 अंक दिए जाएंगे, 12वीं के 50 अंक दिए जाएंगे, फिर डीएड का भी अंक दिए जाएंगे, अनुभव का भी आपका अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन शिक्षक और व्याख्याता के लिए भी किया जाएगा। इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी के लिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार 21 से 35 वर्ष इसमें आयु होनी चाहिए। इसके बाद इसमें अभ्यर्थी को एक पद हेतु एक ही आवेदन करने हैं। इसमें आपको विद्यालय का प्राथमिकता का क्रम देना है, विद्यालय के अनुसार नहीं भरना है। आप तीनों विद्यालय के लिए भर रहे हैं तो आपको प्राथमिकता का क्रम देने होंगे। इसके बाद इसमें और भी इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं। आपको आवेदन पत्र के साथ क्या क्या जमा करने हैं यह देख लेते हैं। आपको अभ्यर्थी को 10 रुपये का इसमें स्टाम्प पेपर संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में है वह जमा करने हैं। फिर आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्वयं के डाक का पूर्ण लिखा पता आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाकर जमा करने होंगे। यह आप 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे इस आवेदन पत्र के साथ आपको लगेंगे। इस आवेदन पत्र को कैसे भरना है यह देख लेते हैं। यह संविदा पद के लिए आवेदन पत्र है। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको सबसे पहले आवेदित पद का नाम, फिर विषय लिख देना है, फिर शाला का प्राथमिकता क्रम दे देना है, फोटो सिग्नेचर करके लगा देना है, फिर अपनी बेसिक जानकारी, शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर, अनुभव भी फिल कर देना है, नियुक्ता संबंधी जानकारी दे देना है, संलग्न प्रमाण पत्र की सूची दे देना है, फिर यहाँ पास घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इसके लिए यह आवेदन पत्र भरना है। इन सभी का PDF का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।